रोड टू 135 पे आज होगा सेकेंड एपिसोड एंड इसमें मैं अपने लोअर बॉडी को ट्रेन करने वाला हूँ। एंड उससे पहले मैंने थोड़ी बहुत ऑयलिंग करी है जस्ट बिकॉज थोड़ा बॉडी मेरा ड्राई है सो थोड़ा मॉइस्चर हो जाए सो मुझे बेटर फील होगा जस्ट बिकॉज बेटर फील हो। एंड बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है एंड पूरा शहर डूबा हुआ है, पूरा ये स्टेट डूबा हुआ है। सो बैटिंग बॉलिंग हो नहीं सकती है सो आई हैव डिसाइडेड कि आज मैं लोअर बॉडी ट्रेन करूंगा। लेट्स गो फॉर एपिसोड टू। पहले ये तीन इंपॉर्टेंट चीज पोस्ट वर्कआउट के लिए क्रिएटिन, ऑब्वियसली टॉवल, इलेक्ट्रोलाइट एंड फोम रोलिंग। आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू ऑल समथिंग कि क्या हुआ कि मैंने ऑलमोस्ट 75 डेज से अभी इंस्टा पे लगातार अपने रोड टू 135 का जर्नी शुरू किया एंड आई एम गेटिंग ग्रेट सपोर्ट। बट हो क्या रहा है कि लोग बहुत लोग उसका मजाक भी उड़ाते हैं कि तू भाई शो ऑफ कर रहा है एंड ऑल। बट सही बताऊं व्हाट हैपेंड, थोड़े दिन पहले क्या हुआ कि मेरे को एक फर्स्ट क्लास प्लेयर का पर्सनली डीएम आया कि तू भाई इस तरह से काम कर। उन्होंने मुझे गाइड करा कि तू ऐसे काम करेगा तो तू जल्दी पहुंचेगा अपने 135 तक। एंड यही मेरे को लगा कि यार आपको क्रिटिसाइज करने वाले करेंगे एंड आपको अपने काम पे बने रहना है। साथ में एक और हर्षवर्धन करके एक हमारे मेरे एज का एक लड़का है एंड उसने भी मुझे काफी एक्सपेंसिव प्रोग्राम फ्री में सेंड कर दिया। जस्ट मैंने पूछा भाई कि तू क्यों भेज रहा है मुझे, मैं तो तुम्हें पे भी नहीं कर रहा हूँ कुछ भी। एंड ही वॉज लाइक यार तुम्हारी डेडिकेशन देख के, तुम्हारी डिटर्मिनेशन देख के मुझे लग रहा है कि अगर तू बेहतर तरीके से काम करेगा तो आई थिंक तू कर लेगा, क्योंकि उस तेरे में वो हर बात है जो एक फास्ट बॉलर में होना चाहिए, क्रिकेटर में होना चाहिए। सो ये मोटिवेशन लेके मैं हर दिन काम कर रहा हूँ कि लोग आपको जज करेंगे, करने तो यार आपको काम करते रहना है। ये बल की नहीं है, ये स्ट्रेंथ है एंड ये कोई बॉडी बिल्डिंग वाला लेग्स नहीं है, ये प्रॉपर एथलेटिक काफ़ी मेहनत किया हुआ लेग्स है। एंड आई थिंक एज ए क्रिकेटर भी ना आप अच्छे फिजिक में दिख सकते हो, ऐसा आजकल तो हम सभी देख रहे हैं क्रिकेटर्स को या फिर जो भी जिसको भी आप फॉलो करते हो। इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि अभी 3-4-5 दिन तक कोई प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं आज लेग्स को हेवी ट्रेन करने वाला हूँ। लेट्स गो। जिम आने के बाद मैं 2 मिनट शांति से बैठता हूँ जस्ट टू बी इन प्रेजेंट, ताकि मैं काफ़ी सारे डिस्ट्रैक्शन है लाइफ में उन सब से हटके मैं टोटली वहीं पे प्रेजेंट रह सकूं। मोबिलिटी एंड स्ट्रेचिंग से मैं अपने वर्कआउट का शुरुआत करता हूं। एज ए क्रिकेटर आप थोड़ा भी कैजुअल नहीं हो सकते हो कि आज मोबिलिटी नहीं किया या स्ट्रेचिंग नहीं किया तो क्या ही हो जाएगा। एक इंजरी एंड आपका पूरा का पूरा सीजन आप बाहर बैठ सकते हो। लेग्स वर्कआउट के पहले मैं ये 2-3 मोबिलिटी एंड स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेस करता ही करता हूँ जस्ट टू ओपन अप माई हैमस्ट्रिंग, माई ग्लूट्स, माई हिप जॉइंट्स एंड ग्रोइंस। स्ट्रेचिंग एंड मोबिलिटी बोरिंग है मानता हूँ, पर जितना ज़्यादा आप स्ट्रेचिंग एंड मोबिलिटी पे फोकस करोगे ना, उतना ज़्यादा आप अपने मसल्स को अपने हिसाब से यूज़ कर पाओगे। आप चाहो तो उसको स्ट्रेच कर सकते हो, आप उसको चाहो तो उस पर वजन वजन डाल सकते हो और वो बिल्कुल ना टियर होगा, ना उसको कोई प्रॉब्लम होगा, जल्दी रिकवर होगा। इसलिए मुझे लगता है कि स्ट्रेचिंग मोबिलिटी पे हम लोगों को और ज़्यादा टाइम देना चाहिए। मैं 1 घंटे देता हूँ बट ट्रस्ट मी 1 घंटे से ज़्यादा का ज़रूरत है एज ए एथलीट, एज ए फास्ट बॉलर। लास्ट में मार्जरी आसन या कैट एंड काउ कह सकते हो, ये फाइनल स्ट्रेचिंग करके मैं अपने वर्कआउट को अब शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैंने फ्री स्क्वाट किया है, जानबूझ के मैं स्लो कर रहा हूँ आज, क्योंकि जितना मैं स्लो करूँगा उतना माइंड मसल कनेक्शन बेहतर होगा एंड आज स्ट्रेंथ डे है सो मुझे एक एक मसल पे फोकस करना है सो दैट मैं उस पर वजन डालूँ तो वो कोई भी एक मसल छूटे ना। बॉडी वेट स्क्वाट के 3-3 के 3 सेट करने के बाद मैं अपने हिप्स को ओपन करने के लिए, ग्लूट्स को ओपन करने के लिए ये एक्सरसाइज करता हूँ विद द हेल्प ऑफ लूप बैंड। ये 2-3 एक्सरसाइज जो मैं अभी लूप बैंड से कर रहा हूँ ये मैं हर दिन करता हूँ, क्योंकि कहते हैं कि
आपके जो ग्लूट्स हैं वो पावर हाउस ऑफ द बॉडी है, आप उसे जितना ट्रेन करोगे वो उतना ज्यादा आपके बॉडी को सपोर्ट कर पाएगा। कहते हैं कि ग्लूट्स एक ऐसा मसल है जो पूरे बॉडी को इंजरी फ्री रखने में सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है। फाइनली अब मैं पूरे तरीके से प्रिपेयर्ड हूँ अपने लेग्स को ट्रेन करने के लिए, स्पेशली क्वाड्स को ट्रेन करने के लिए। ट्रेन करने के लिए सबसे पहले मैंने 70 kg से एलिवेटेड स्क्वाट मारा है। एलिवेटेड स्क्वाट मीन्स आप अपने हील को नॉर्मल अर्थ लेवल से थोड़ा ऊपर रखते हो ताकि आपका क्वाड्स पूरे तरीके से टारगेट हो, ना कि आपका हिप्स एंड हैमस्ट्रिंग टारगेट हो। सेकंड सेट में मैंने वेट 90 kg लिया है एंड रेपिटेशन सिर्फ 6 तक लेके जा पाया हूँ, जस्ट बिकॉज मैंने एलिवेटेड स्क्वाट में जिसमें मैंने क्वाड्स पे फोकस किया है आज तक, ये मेरा आज तक का सबसे हाईएस्ट वेट रहा होगा। मुझे डीप जाने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था, जस्ट बिकॉज अगर आप एलिवेटेड स्क्वाट मारते हो तो आपकी सिर्फ और सिर्फ क्वाड्स पे पूरे तरीके से वेट होता है, आप हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स को इन्वॉल्व नहीं कर पाते हो। सो 90 kg ऑन क्वाड्स आसान नहीं है। मैंने फ्रंट स्क्वाट के लिए ये 50 kg का डंबल लेके जाके रखता हूँ। सो ये मेरे भाई हैं जिम में आते हैं, वो मुझे चैलेंज करते हैं कि आप एक हाथ से नहीं उठा के बैक नहीं मार पाओगे। सो मैंने जस्ट टू शो ऑफ उन्हें दिखाने के लिए मैंने मार के दिखाया कि अरे भाई अपर बॉडी में भी ताकत है मेरे। सेकंड एक्सरसाइज ऑब्वियसली फ्रंट स्क्वाट है, जो मैं 50 kg के डंबल से 15-15 के 3 सेट करता हूँ। आज काफ़ी ही अच्छा माइंड मसल कनेक्शन बन रहा है, आज मैंने अपने वर्कआउट को बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। थर्ड वर्कआउट जो है वो लेग प्रेस है। लेग प्रेस में 230 kg के 15-15 के 3 सेट करता हूँ। ड्यूरिंग लेग प्रेस हमने डिस्कस किया कि लेग वर्कआउट में भी कैसे कोर इंगेज किया जाता है या फिर कोर इंगेज करना कितना इंपॉर्टेंट है। थर्ड एक्सरसाइज वन ऑफ माय फेवरेट लंजेस, जो मैं 80 kg से करता हूँ 40-40 के 2 डंबल से। ये एक्सरसाइज स्ट्रेंथ एंड स्पीड दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसके मैं 15-15 के 3 सेट करता हूँ। 80 kg से लंजेस परफॉर्म करना ईजी नहीं है, मैंने साल दर साल इसे बढ़ाया है धीरे धीरे। एंड लास्ट वर्कआउट जो स्पेशली मेरे क्वाड्स को टारगेट करेगा, लेग एक्सटेंशन, ये मैं 70 kg से परफॉर्म करता हूँ। इसके मैंने 12-12 रेपिटेशंस के 3 सेट करे हैं, अभी तक मैंने 4 एक्सरसाइजेस किया, टोटल रेपिटेशन काउंट 54-55, दैट्स इट। एंड इससे ज्यादा इंटेंस या ज्यादा रेपिटेशन बढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है, सिर्फ आप अपने आप को थकाओगे और कुछ नहीं। इसके बाद मैं 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, उस ब्रेक में मैं इलेक्ट्रोलाइट्स ले रहा हूँ एंड अपने आप को नेक्स्ट काम के लिए जो कि है कोर ट्रेनिंग, इसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। एज ए फास्ट बॉलर लेग्स के बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कोर, और मैं हर जब भी मैं जिम जाता हूँ तब तब मैं कोर को ट्रेन करता ही करता हूँ। कोर ट्रेनिंग मीन्स आप सिर्फ क्रंचेस कर रहे हो, सिक्स पैक ऐप बना रहे हो, दैट वो आपको ना उतना काम नहीं आएगा, वो आएगा बट उतना काम नहीं आएगा। कोर ट्रेनिंग मतलब सेंटर ऑफ द बॉडी, आपको पूरी की पूरी कोर, ऑब्लिक्स, बैक मसल्स भी वहां के ट्रेन करने होंगे। दैट्स वाई मुझे ये मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज लगता है जो मैं केटल यूज करके कर रहा हूँ। इसमें स्ट्रेंथ विथ स्टेबिलिटी दोनों मिलता है मुझे। इतने हैवी वर्कआउट के बाद बिना फोम रोलिंग के घर तो जा नहीं सकता था, सो मैंने 15 मिनट्स किए हैं फोम रोलिंग एंड दैट्स इट फॉर द डे।